हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि शाम को 7 बजे आपकी डेली धुआंधार क्लास चल रही है, ठीक है। इसके पहले जो आपकी क्लासें हो चुकी हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आई हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आई है। और आज जो हम आपका पढ़ाने वाले हैं, इसका पहला पार्ट हमने आपको कल पढ़ा दिया था। जिसने इसके पहले वाली क्लास, मतलब कल वाली क्लास नहीं देखी है हड़प्पा सभ्यता फर्स्ट की, तो आप वहां से जाकर पहला पार्ट देख लीजिए, ठीक है। फिर आज हम जो दूसरा पार्ट है इसको कवर करते हैं। तो चलिए, सभी लोग उपस्थित हो जाइए जल्दी से, फटाफट से। सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, जल्दी से सभी लोग आएंगे, उपस्थित होंगे, और जैसे ही 7 बजा करें, आप लोग तुरंत शेयर कर दिया करिए क्लास को, ठीक है, अपने अपने ग्रुप में। चलिए, सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, शाबाश। चलिए, तो कल वाली क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता में, मतलब आपकी जो सिंधु सभ्यता है, इसमें हमने केवल सिंधु सभ्यता के बारे में ही जाना था कि उसका कैसे क्या निचोड़ होता है। हर चीज हमने आपको कल वाली क्लास में बता दी थी। आज हमें उसके जो स्थल हैं उसके बारे में जानना है, और जो स्थल हैं उनकी खोज कैसे क्या हुई है वो जानना है। कौन सी नदी के किनारे हुई है, कौन से ईयर में हुई है, किसने की है खोज, ये सारी जानकारी आज हमें डिटेल में पढ़नी है। और फिर हम आपको हड़प्पा सभ्यता और जो आपकी मोहनजोदड़ो है उसको भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से सभी तक शेयर कर दीजिए जिससे सभी बच्चे आ जाएं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही बच्चे जुड़ा करें ना, तुरंत लाइक कर दिया करिए फटाफट से, ठीक है। और जो बच्चे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब न किए हों, तो फटाफट से कर लीजिएगा, ठीक है, शाबाश। चलिए, सभी लोग उपस्थित हो रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग एक बार फिर से, एंड राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए, अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो लिखे हुए हैं, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। और उनकी जो स्थापना वर्ष है, खोज का वर्ष है, और आपके जो खोजकर्ता हैं, और फिर आपकी नदी है, और जो स्थिति है उसकी, ये सभी आपके सामने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्थल आता है आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल आता है। तो हड़प्पा स्थल जो है, ये है कहाँ पर, आपको पहली बात याद रखना है, हड़प्पा है आपके मॉन्टगोमरी जिला है एक पाकिस्तान में, वहां पर आपका हड़प्पा सभ्यता पड़ती है, सॉरी हड़प्पा स्थल पड़ता है। बार बार सभ्यता आ रहा है दिमाग में, तो हड़प्पा स्थल पड़ता है, याद रखना है। अब हड़प्पा की खोज करने वाले कौन है, तो याद रखना है 1921 में दयाराम शाहनी के द्वारा आपकी हड़प्पा की खोज होती है, उत्खनन होती है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के। तो पूछा जाएगा हड़प्पा 1921 राखलदास बनर्जी के द्वारा कौन सी नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे कहाँ पड़ता है, मॉन्टगोमरी जिला आपके पाकिस्तान में, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है मोहनजोदड़ो। जस्ट एक साल बाद 1922 में आपके जो राखलदास बनर्जी हैं, इनके द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है। अब ये मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो ये भी आपके पाकिस्तान में ही है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ, आपके लरकाना जिले में है, ठीक है, याद रखना है। और इसकी, और कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखना है सिंधु नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट आता है आपका चहुंदड़ो। अब इसकी खोज कब होती है, तो 1931 में करने वाले कौन है, मजूमदार। कौन सी नदी है, सिंधु नदी, और कहाँ है ये, ये भी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर आ रहा है आपका कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, जल्दी से छाप दीजिए, ठीक है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, सभी लोग फटाफट से छापेंगे। फिर आता है कालीबंगा, इसमें दो लोगों ने किया है। तो पहले आता है 1935 से लेकर 61 के बीच में जो इसमें काम हुआ है, वो बीबी लाल और साथ में बीके थापर, इन दोनों ने किया है, कब, 1935 से लेकर 61 के बीच में। फिर दूसरा आता है 1953 में, ये किसने किया है, तो ये अमलानंद घोष ने, किसकी बात हो रही है, कालीबंगा की, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि ये जो है आपका कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखना है काला घाघरा, काला घाघरा। तो बस इतने से याद रखिए, काला से हो गया कालीबंगा, घाघरा से हो गया घग्घर नदी, ठीक है। और किस, ये पड़ता कहाँ है आपके, राजस्थान में कालीबंगा पड़ता है, कहाँ पर, अनुमानगढ़ी में, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं,
आगे आता है रोपण। रोपण के बारे में पूछा जाए, 1953 से 1955 के बीच में इसका खुदाई होती है। करने वाले कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। फिर पूछा जाएगा कौन सी नदी के किनारे है, तो आंसर होगा आपका सतलज नदी। अगर स्थिति पूछ ले कि रोपण जो है कहाँ पर है, कौन सी जगह पर है, तो आपके उत्तर प्रदेश में पंजाब में है, याद रखना है। आगे पहले ये सब पाकिस्तान के ही पार्ट होते थे, पंजाब वगैरह ये सब, अब तो अपने अपने भारत में है। आगे आगे देखते हैं, लोथल क्या है? हमने उत्तर प्रदेश बोल दिया क्या? चलिए आगे देखते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। फिर बोलेगा लोथल, लोथल की खुदाई कब होती है, तो 1955 में। इसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 1955, ठीक है। तो इसकी जो करते हैं कौन है, रंगनाथ राव, एसआर राव, याद रखना है। और ये किस नदी के किनारे है? नदी बहुत पूछी जाती है और टाइम पीरियड भी पूछा जाता है इसका, याद रखना है। लोथल कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के। कब होती है खुदाई? 1955 में। किसके द्वारा? रंगनाथ राव और क्या है, रंगनाथ राव, एसआर राव, ठीक है। फिर पूछेगा ये है कहाँ पर, मतलब लोथल जो है आपका कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में है, सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, आता है बनावली या फिर बनवाली दे दे, बनवाली दे दे, एक ही चीज़ है, ठीक है। पूछा जाएगा इसकी जो खुदाई होती है कब होती है, तो 1974 में होती है। और करने वाले कौन है? आपके आरएस विस्ट। जल्दी से छापेंगे, आरएस विस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, छापिए जल्दी से। आरएस विस्ट ने की अगर क्या कहते हैं, अगर नदी पूछ ले कौन सी नदी, तो रंगोई नदी के किनारे है। और है कहाँ पर बनवाली? ये आपका हरियाणा में है, याद रखना है। आगे पूछेगा धौलावीरा, आगे पूछेगा आपसे धौलावीरा, इसकी कब होती है? 1990 से 91 में। करने वाले हैं आरएस विस्ट। और नदी की बात की जाए तो मंसल नदी या फिर लूनी नदी, कुछ भी हो, आंसर आपका इन्हीं में होगा। और पड़ता कहाँ है ये धौलावीरा? गुजरात में। कल भी हमने इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई थी आपको। आगे कल वाली क्लास जरूर देखनी है, ठीक है। कल हमारा पहला पार्ट हो चुका है सिंधु सभ्यता का, तो आपको कल वाला पार्ट देखना है, फिर उसके बाद आज का पार्ट देखना है, ठीक है। कोशिश रहेगी आज ही कंप्लीट हो जाए, आज नहीं होता है तो फिर कल और कर देंगे, कल अपना लास्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आ रहा है राखी गढ़ी, तो 1969 ईस्वी में होता है, सूरज भान के द्वारा, सरस्वती नदी के किनारे है, और ये पड़ता है आपका हरियाणा में। आगे है रंगपुर, 1953 ईस्वी में होता है, और ये माधव स्वरूप वत्स्य के द्वारा, कौन सी नदी के किनारे? भादर नदी के किनारे है। पड़ता कहाँ है रंगपुर? आपके गुजरात में। आगे आगे पूछेगा कोट दीजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे कोट दीजी की कब होती है, तो 1953 ईस्वी में। किसके द्वारा? फजल अहमद के द्वारा। और ये नदी अगर पूछ ले कि कौन सी नदी के किनारे है, तो आपका आंसर जाएगा सिंधु नदी के। और अगर स्थिति पूछता है तो आपका पाकिस्तान होगा आंसर। आगे है आलमगीरपुर, क्या पूछेगा आपसे आलमगीरपुर, तो क्या होगा आंसर? 1958 ईस्वी में, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, हिंडन नदी के किनारे है, और आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीरपुर, पता है ना, सबसे पूर्वी है। आगे दायमाबाद सबसे दक्षिण में था, हमने बताया था, तो 1958-59 में होती है, MN देश पांडे के द्वारा, कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी नदी। और कहाँ पड़ता है? आपके महाराष्ट्र में, ये बता चुके हैं आपको सब कुछ। आगे आगे है सुतकांगेडोर, ये आपका सबसे पश्चिमी है, पश्चिमी में कब होती है, तो 1927 ईस्वी में। किसके द्वारा? आर्य लिस्टाइन के द्वारा, ठीक है। और फिर पूछेगा कि ये कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखना है सबसे पश्चिम में है, आर्य लिस्टाइन के द्वारा, दाश्त नदी के किनारे है, और पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये हो गई यहाँ से आपके जितने भी स्थल थे, उनकी खोज किसने की, कब हुई, और कहाँ पर कौन सी नदी के किनारे है, किस मतलब स्थान में है, ये सब हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, दूसरा पार्ट आता है। आप लोगों की डिमांड थी कि मैम आप स्क्रीन शॉट नहीं लेने देती हैं, आप खड़ी हो जाती हैं सामने, तो हम लिख नहीं पाते हैं, स्क्रीन शॉट नहीं ले पाते हैं, तो हम पहले पूरा कंप्लीट कर दें, फिर उसके बाद आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब आता है यहाँ से हड़प्पा, देखिए जितने हमने स्थल पढ़ लिए हैं, इनसे अब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अब हम उनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपका था हड़प्पा, उसी तरह से यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा के बारे में। अब हड़प्पा से कितने क्या क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पूछा जाएगा हड़प्पा कहाँ है, तो अभी पढ़ा है हमने मॉन्टगोमरी जिला में है, कहाँ पर? आपके पाकिस्तान में है, ठीक है, याद रखना है। फिर आगे
पूछा जाएगा कि जो हड़प्पा है इसको सिंधु सभ्यता की, याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा को सिंधु सभ्यता की उत्तरी राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी राजधानी कहते हैं। फिर आगे दे रहा है ऋग्वेद में इसका जो प्राचीन नाम है ना, इसका जो प्राचीन नाम है आपके ऋग्वेद में क्या मिलता है? तो हरिपुरिया मिलता है। क्या मिलता है? हरिपुरिया मिलता है। और फिर दे रहा है टीले का पता। कल जो हमने क्लास पढ़ाई है पहली सिंधु सभ्यता वाली, उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपका हड़प्पा है इसके टीले की खोज, टीले की बात हो रही है नगर की नहीं, टीले की खोज 1878 में आपके जो कनिंघम भाई साहब हैं इन्होंने की थी। किसने? कनिंघम ने। आगे बढ़ते हैं, पूछा जाएगा इसका उत्खनन कार्य किसने किया है, खुदाई किसने की है, तो आंसर क्या होगा आपका? 1931 में दयाराम शाहनी के द्वारा। जस्ट एक साल बाद जो है 1922 में माधव स्वरूप वत्स आते हैं, ये थोड़ा बहुत काम करते हैं। फिर इसके बाद जो लंबा खींच के चले जाते हैं, बहुत विस्तृत रूप में जानकारी देने लगते हैं, वो आते हैं आपके मार्किंग व्हीलर। ठीक है, समझ में आ गया? 1921 में दयाराम शाहनी, 22 में आपके वत्स साहब आते हैं, 23 में सॉरी उसके फिर बाद जो आपके आते हैं व्हीलर साहब आते हैं। ठीक है, याद रखना है। फिर आपसे पूछेगा जो आपका ये हड़प्पा सभ्य, जो हड़प्पा स्थल है ये दो भागों में बंटता है, दो भागों में, पूर्वी व नगर टीला, दूसरा है पश्चिमी व दुर्ग टीला। ठीक है, दो भागों में विभक्त है, बाकी जितने भी है ना आपके सभी दो भागों में है, लेकिन जो आपका धौला भीरा है ये हमने कल भी बताया था, ये केवल तीन भागों में है, वो भी हम बाद में समझाएंगे आपको। अब देखिए इसके बारे में एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है, हम बताते हैं आपको। बर्तनों की बात होती है कि बर्तन में कैसा क्या होता है। देखिए यहां से जो आपके हड़प्पा से जो बर्तन मिले हैं आपको, जैसे आप मार्केट जाइए घड़ा लेकर आइए, हम घड़े से एग्जाम्पल देके बताते हैं। जैसे ये आपका बड़ा सा घड़ा है, वैसे भी लाल होता है, लाल कलर गेरुए कलर का होता है, अगर उसमें और लाल कलर से आप पेंट कर दें, घड़े को लिया उसमें लाल कलर से पेंट कर दिया और साथ में आपने क्या किया, काले कलर की जो मतलब पेंट है, काले कलर का पेंट लेकर उसमें चित्रकारी करना स्टार्ट कर दिया, समझ रहे हैं? घड़ा लिया, लाल कलर से पूरा पोत दिया, पूरा आगे पीछे सब कुछ लाल कलर से पोत दिया, इसके बाद जो आपने काले कलर से ब्रश ली चित्रकारी करने के लिए, ये जो आपका बनके तैयार हो जाएगा, जो घड़ा आपका बनके तैयार हो जाएगा, वो घड़ा कौन सी सभ्यता का कहलाएगा, कौन से मतलब स्थल का? ये आपके हड़प्पा सभ्यता, सॉरी हड़प्पा स्थल से मिला हुआ कहलाएगा। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ वही बात बोली जा रही है कि यहाँ पे जो बर्तन मिले हैं वो लाल धरातल पर बने काले रंग से मिले हैं। लाल धरातल था, पूरा पोत दिया था, काले रंग से हमने उसमें कमल का फूल, गुलाब का फूल आपका फेवरेट, ये बना दिया, तो आपका कौन सी सभ्यता का हुआ? हड़प्पा का। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से पूछा जाता है हड़प्पा से जो अवशेष मिले हैं उनकी सूची बताइए। तो अब क्या क्या मिले हैं हमको? तांबा गलाने का कारखाना मिला है हमें यहाँ से, उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी क्या है? एक स्त्री लेटी हुई है और उसके पेट से एक मतलब बहुत बड़ा पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है, उसी को हम उर्वरता की देवी कहते हैं। फिर है सूती कपड़ा, सूती कपड़ा मिला है, पूछा जाता है इम्पोर्टेंट है, पक्षी का पिंजरा मिला है, दो धड़, मोस्ट इम्पोर्टेंट दो धड़ यहाँ से मिले हैं, एक है नर्तक का धड़, दूसरा है आपका पुरुष का धड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूछा जाएगा शंख पर बैल का चित्र मिला है, कहाँ से आपका? हड़प्पा से। आगे बोलेगा, अब जो देखिए दो धड़ मिले हैं ना आपको, एक पुरुष का और एक पुरुष का मिला है, एक नर्तक का मिला है। ठीक है, जो पुरुष का धड़ है और जो नर्तक का धड़ है, दोनों का जो टाइम पीरियड मिलता है आपको वो 2500 ईसा पूर्व का मिलता है, याद रखना है। और अगर संग्रह की बात की जाए, उठा के दोनों को एक ही संग्रहालय में रखा गया है, आपके राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, अगर आपसे पुरुष धड़ की जो मतलब माप है वो पूछा जाए तो आपका 3.7 इंच हो जाए, सॉरी 3.3 इंच हो जाएगा पुरुष की, और अगर आपसे ये नर्तक की धड़ की मतलब माप पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3.7 इंच, पुरुष की 3.3 इंच और नर्तक की 3.7 इंच। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि सेंटीमीटर में बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा 8.5 इंच जो है आपका पुरुष का है और नर्तक का 9 सेंटीमीटर है, याद रखना है। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है? और हाँ, पूछा जाएगा जो पुरुष है, जो पुरुष का नर्तक सॉरी पुरुष धड़ मिला है, जो पुरुष धड़ मिला है
वो किस पत्थर से बना है, तो ये आपके लाल पत्थर से बना है, और जो ये आपका नर्तक धड़ है वो काले काले स्लेट पत्थर से बना है। किससे? काला स्लेटी पत्थर से बना है, जिसे हम ग्रे सिस्ट स्टोन बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो ये नर्तक धड़ है वो किसको दिखाया गया है, नर्तक, सॉरी ये पुरुष धड़ था, ये जो पुरुष धड़ है वो किसको प्रेजेंट करता है, तो ये आपका ऋषभदेव, जो आपके फर्स्ट जैन धर्म के तीर्थंकर थे, जिन्हें हम आदिनाथ भी बोलते हैं, वो आपके पुरुष धड़ को संबोधित करता है, मतलब उसमें देखकर लगता है। और जो आपका ये नर्तक धड़ है, इसको देखकर किसकी याद आती है, तो इसको देखकर हमें शिव शिवलिंग की समझ में आती है। देखिए लिखा भी है शिवलिंग नहीं, सॉरी नटराज शिव की दिखती है, ठीक है। तो यहां से जितना भी पूछा जा सकता था वो हमने आपको बता दिया, यहां से जितनी भी जानकारी थी आज हमने हड़प्पा के बारे में बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज बता दी है, ठीक है। अब आज तो ये क्लास नहीं हो पाएगी कंप्लीट, ठीक है, आज तो क्लास नहीं हो पाएगी, आराम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, लगातार 3 से 4 दिन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कल इसकी एक क्लास हो चुकी है फर्स्ट पार्ट, आज हमने पढ़ाया सेकेंड पार्ट, कल पढ़ाएंगे थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड या फोर्थ में आपका जो ये हड़प्पा सभ्यता है ना, ये पूरी निचोड़ के रख देंगे, ठीक है। कल वाली नहीं देखी तो देख लीजिएगा जाके। चलिए फिर रखते हैं क्लास को। और क्लास कैसी लगी, सभी लोग छापेंगे, क्लास कैसी लगी बताएंगे सभी लोग। चलिए, जिसको क्लास फास्ट लगी हो तो वो थोड़ा सा मतलब पॉज करके बैक जाकर फिर से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी को पसंद आ रही है क्लास, और सभी को कमेंट में जरूर बताना है ये जितने भी क्वेश्चंस हमने पूछे हैं, जैसे हमने पूछा था राखी गढ़ी कहाँ पर है, ये शायद पूछा था, ऐसे 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, तो आपको सभी के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे छाप के बताने हैं, ठीक है। चलिए शाबाश, सभी को समझ में तो आ रहा है ना, उड़ तो नहीं रहा है ऊपर से कि हौले वाले ऊपर से निकल जाए। चलिए शाबाश, सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलिए फिर सभी तक शेयर कर दिया करिए, थोड़ा सा फर्ज निभा दिया करिए, अपना भी क्रियाक्रम कर दिया करिए क्लास की, ठीक है। चलिए फिर रखते हैं क्लास को, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है, सबसे बड़ा काम तो रह ही जाता है, लीजिए फटाफट से, अरे फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से दौड़ लगा के, आज तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। चलिए फिर रखते हैं क्लास, ठीक है, शाबाश। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए सभी को गुड नाइट, आराम से 9 बजे उपस्थित होना है सभी को, ठीक है। चलिए।